प्यारे बच्चों, नए सत्र 2022-23 की शुरुआत हो चुकी है और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए CBSE ने अपने नए सत्र का सिलेबस पाठ्यक्रम जारी कर दिया है ताकि आप अपनी पढ़ाई को अभी से स्टार्ट कर सकें। अगर आप 8th क्लास से पास होने के बाद 9th में चले गए हैं तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल इम्पोर्टेंट होने वाली है। ऐसे वीडियो में आपके साथ संस्कृत का सिलेबस पाठ्यक्रम साथ में क्वेश्चन पेपर पैटर्न शेयर करने वाले हैं कि एग्ज़ाम में आपके पास किस तरह का पेपर आने वाला है। पूरी वीडियो के साथ एंड तक बने रहें और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों क्लास ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। दोस्तों, अगर आपको बाकी सभी सब्जेक्ट का भी आपको सिलेबस पाठ्यक्रम सैम्पल पेपर पैटर्न चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारा सिलेबस मिल जाएगा, साथ में आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको सैंपल पेपर के साथ। चलिए देखते हैं कि क्या क्या आपके पास पेपर में आने वाला है, कितने नंबर का आएगा। तो क्लास 9th में सबसे जो पहला पैटर्न रहेगा वो रहेगा आपका कुछ इस तरीके का और कोड आपका रहेगा यहाँ पर 122 यानी कि 122 कोड रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके पास रहेगा 80 नंबर का पेपर और ये होगा आपका 3 घंटे का, राइट। 80 नंबर का होगा तो 80 नंबर आपका फाइनल पेपर होगा, 20 नंबर आपके इंटरनल असेसमेंट जो कि टीचर्स के पास होंगे तो टीचर्स किस तरह से आपको ये 20 नंबर देंगे आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। साथ में 80 नंबर इस बार जो है फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का झंझट नहीं है बल्कि इस बार फाइनल पेपर होगा सीधा डायरेक्ट जो कि 80 नंबर का होगा, 40-40 नंबर का नहीं होगा। यहाँ पर आप देखोगे किस तरह कैसे प्रश्न पत्र बनेगा, का खंड होगा यानी कि 4 खंड होंगे इसमें, क ख ग और ग यानी कि ABCD, क में रहेगा अवबोधन, अपठित यानी कि अपठित कुछ भी आपको पैसेज मिल जाएगा 10 नंबर का होगा। उसके बाद देखो रचनात्मक कार्य में आपको ग्रामर से रिलेटेड कुछ लिखने के लिए आएगा, रचनात्मक क्रिएटिविटी होगी, 15 नंबर का होगा। ग्रामर में संधि हो गई, समास हो गए, प्रत्यय हो गया, उपसर्ग हो गया और बहुत सारी चीज़ें होंगी तो ये 25 नंबर का हो गया। और अवबोधन, पठित अवबोधन यानी कि जो आपके पास किताब है संस्कृत की उससे आपको आएगा 30 मार्क्स का। इस तरीके से टोटल आपको हो गया 40 और 40 80 नंबर का आपका पूरा हो गया। अब हम थोड़ा सा इसे डिटेल में जानते हैं कि किस किस तरीके से आपको आएगा। एक गद्यांश दे दिया जाएगा जिसमें कि 80 से 100 शब्द होंगे, है ना, क खंड में यानी कि ए पार्ट में। इसमें कुछ अति लघुत्तरीय होंगे, कुछ पूर्ण वाक्य में यानी कि एक पद में आंसर देना होगा, एक लाइन में आंसर देना होगा, शीर्षक यानी कि टाइटल लिखना होगा और उससे भाषिक यानी कि ग्रामेटिकल क्वेश्चंस होंगे, बहुविकल्पीय यानी कि MCQ टाइप के होंगे। उसके बाद खंड ख यानी कि बी पार्ट में क्या रहेगा तो बी पार्ट का ध्यान से देखेंगे। औपचारिक तथा अनौपचारिक पत्र आपके पास आएगा और पत्र क्या होगा, आपको अधूरा पत्र दिया होगा यानी कि कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होंगे और फिल इन द ब्लैंक्स के अकॉर्डिंग फिल आपको करना होगा, पत्र आपका हो जाएगा कंप्लीट। निबंधात्मक होगा यानी कि पूरा आपको पत्र दिया होगा बट आपको जो जो भी उसमें छोड़ा हुआ हो सिर्फ उसी को करना है, 5 नंबर में आपके पास ये पूछा जाएगा। उसके बाद रहेगा चित्र वर्णन अथवा अनुच्छेद लेखन, एक पिक्चर दे दी जाएगी, कोई चित्र दे दिया जाएगा लाइक आपको पार्क का, पेड़ पौधों का, नदी झरने तालाब का चित्र दे दिया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि भाई चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, उस चित्र से रिलेटेड आपको संस्कृत में सेंटेंस लिखने हैं। साथ में अनुच्छेद लेखन या तो आपको चित्र वर्णन आएगा या अनुच्छेद लेखन आएगा यानी कि पैराग्राफ और टॉपिक आपको दे दिया जाएगा। अब पूर्ण वाक्यात्मक होगा, निबंधात्मक हो गया, 1 से 5 प्रश्न होंगे, 5 नंबर का हो जाएगा। उसके बाद देखो हिंदी आंग्ल भाषा था संस्कृत अनुवाद, हिंदी से आंग्ल भाषा में या हिंदी अंग्रेजी से संस्कृत में अनुवाद करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए आएगा और ये है पूर्ण वाक्यात्मक हो गया 5 नंबर का। टोटल आपके पास हो गया बी पार्ट में 15 नंबर, ए पार्ट आपका 10 नंबर हो गया। अब हम सी पार्ट की तरफ चलते हैं, संधि यहाँ पर आपको ग्रामर होगा, संधि में देखो अति लघुतरात्मक होंगे, 4 प्रश्न होंगे एक एक नंबर के। शब्द रूपाणी, शब्द रूप होते हैं ना, राम शब्द रूप,
लता शब्द रूप, तो यहाँ पर वही बहुविकल्पी होंगे, एमसीक्यू टाइप के होंगे, 1, 2, 3, 4, कोई एक सा चूज करना होगा। उसके बाद देखो धातु रूप है ना, शब्द रूप धातु रूप हो गए, ये भी आपको बहुविकल्पी प्रश्न ही होंगे। और कारक उपपद विभक्ति होंगी, अकारक चिन्ह वगैरह होंगे, कुछ उपपद विभक्ति होंगी, तो ये बहुविकल्पात्मक होंगे एमसीक्यू टाइप के, 4, 4, 4 और 4, 16 नंबर आपके पास इस तरीके से पेपर आने वाला है। और आगे देखो ग्रामर में प्रत्यय होंगे, संख्या होंगी, संख्या लिखनी होगी आपको, उपसर्ग होगी और अव्यय हो गए। तो ये सारी चीज़ें आपको टोटल जो है वो आपको 25 नंबर का यहाँ पर पूछा जाएगा। उसके बाद हम घ पार्ट में देखते हैं अवबोधन, पठित अवबोधन यानी कि जो बच्चों ने पढ़ा है उनके पास टेक्स्ट बुक है, तो गद्यांश होगा, अति लघुतरीय होंगे, पूर्ण वाक्य से होंगे, और लघुतरीय भाष्य कार्यम, यहाँ पर जो गद्यांश दे दिया जाएगा जो कि आपको अननोन होगा यानी कि आपने इसे पढ़ा नहीं होगा, तो उसमें से रिलेटेड आपको प्रश्न होंगे, कुछ छोटे होंगे कुछ बड़े होंगे। उसके बाद देखो पद्यांश, जैसे गद्यांश होगा सेम डेट आपको पद्यांश बोले तो श्लोक सेम आपको इसी तरह से करना होगा। और तीसरा आएगा नाट्यांश, नाट्यांश बोले तो नाटक, ठीक है, तो नाटक से रिलेटेड आपके पास सेम आएगा लघुतरीय पूर्ण वाक्य नहीं या तो लघुतरीय। और उसके बाद होता है आपके पास प्रश्न निर्माण, यानी कि प्रश्न बनाएंगे आप, क्वेश्चन बनाएंगे, मान लो एक लाइन आपको दे दी जाएगी, भाई मैं खाना खाता हूँ, तो प्रश्न निर्माण करेंगे आप, मैं क्या खाता हूँ, ठीक है, मैं धीरे धीरे जाता हूँ, तो प्रश्न आएगा कि आप कैसे जाते हो धीरे धीरे, तो ये प्रश्न निर्माण हो गया। उसके बाद हो गया अन्वय अथवा भावार्थ, तो अन्वय करने आपने, ये आपके पास कविता होगी एक, मतलब श्लोक होंगे, तो श्लोक का अन्वय करना होगा, साथ में भावार्थ होगा। अगर आपको कोई टॉपिक डिटेल में जानना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। साथ में देखो घटना, घटनानुसारम वाक्य लेखन, कुछ आपको जंबल सेंटेंस दे दिए जाएंगे, एक नाटक दे दिया जाएगा उसमें आगे पीछे होंगे, ये सेंटेंस पहला होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, चौथा होगा, तो इस तरीके से आपको घटनानुसारम वाक्य लिखने होंगे। और उसके बाद देखो प्रसंगानुसारम अर्थस्य चयनम, और शब्दार्थ शब्दानाम अर्थ सह मिलनम, भाई प्रसंग के अनुकूल अर्थ क्या होगा, साथ में जो शब्दों के अर्थ है और उनके साथ कुछ मिलान करने के लिए आ जाएगा, टोटल आपके पास 30 नंबर। इस तरीके से आपके पास जो टोटल जो है वो 80 नंबर का पेपर होगा, जो कि बड़ा इजी रहेगा, थोड़ा सा आपको इसमें टाइम देना होगा तो आप पेपर को पूरा अच्छे से अटैम्प कर पाओगे। बाकी क्या चीज़ आपको समझ नहीं आया और क्या आपको और जानने की इच्छा है, इसी वीडियो के बाद मुझे कमेंट कर लीजिए, साथ में शेयर कर दो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को। नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए एक नज़र आप डाल लें कि कौन कौन से चैप्टर आपके पास आएंगे, ये पाठ्य संख्या है, प्रथम पाठ, द्वितीय पाठ, तृतीय पाठ। देखो भारतीय वसंत गीति होगा, अट्टिक लगा लीजिए, स्वर्ण काका, गोदोहनम, सूक्ति मौक्तिकम, भ्रांतो बाला, सिक्ता सेतु, जटायो शौर्यम, पर्यावरणम और वांगमना प्राण स्वरूपम। तो ये आपके पास इस तरीके के प्रश्न होंगे, सॉरी चैप्टर होंगे, और इन्हीं चैप्टर से आपको पूछा जाएगा। साथ में कुछ चैप्टर के नाम भी आपको दे रखे हैं, भाई ये सेम उसी आपको आएगा है ना, तो इसी चैप्टर इसी किताब को आपको पढ़ना होगा। साथ में व्याकरण में भी काफ़ी सारे उपसर्ग प्रत्यय होंगे, तो आपने उन्हें देखना है और अपना पेपर अच्छे से करना है। धन्यवाद।